नमस्कार सभी को। आज जो बचे हुए एसआई के क्वेश्चंस थे जो मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर में कर रहा था जो सीरीज उसका लास्ट पार्ट देखेंगे और इसमें हम बचे हुए 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व करेंगे। तो टोटल मैंने 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रखा है और जो वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस 20 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है मॉडल पेपर का वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लस दूसरी चीज़, आपको अगर आप एसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसआई का एक प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको जाके देखिए, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी है। मेरा नाम है केशव, आप देख रहे हैं मुझे बुकबर्ड एकेडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे हम आज। क्वेश्चन नंबर 21 किस तरीके से है देखो, आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 10 मीटर, 5 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर। फाइंड द आंसर इन रुपीज। रुपीज में आपको आंसर निकालना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? सबसे पहला, एक रूम है जिसका हाइट दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ कितना दिया हुआ है देख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। लेंथ दिया हुआ है, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? लेंथ। लेंथ कितना गिवन है? लेंथ गिवन है आपका 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद ब्रेथ कितना गिवन है? ब्रेथ गिवन है 5 मीटर एंड हाइट कितना गिवन है? हाइट गिवन है आपका 4 मीटर रेस्पेक्टिवली कहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर ये लेंथ का कोई रूम है, मान लो रूम, अब ये रूम किस तरीके से बनेगा? लेंथ ये है, ठीक है, रूम का डायग्राम बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये क्यूबॉइडल रूम बनेगा। ऑब्वियसली आपका जो रूम होता है, घर का रूम होता है, वो किस शक्ल का होता है? इस टाइप का होता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। और इसमें आप देखिए, इस वाला पोर्शन को हम लेंथ कहते हैं जो कि यहाँ पर 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस वाला पोर्शन को जो यहाँ से यहाँ तक होगा इसको हम ब्रेथ कहते हैं जो कि 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम हाइट कहते हैं जो कि आपको 4 मीटर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम से, सरफेस एरिया वॉल्यूम से है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसमें। तो एक ऐसा रूम है, ठीक है, तो देखो रूम है तो इसमें 4 दीवार होगा। ठीक है, आगे इस साइड पीछे, और ऊपर टॉप और बॉटम, छत और फ्लोर होगा। ठीक है, छत और फ्लोर होगा, जिसको रूफ रूफ बोलते हैं हम, सीलिंग बोलते हैं। ठीक है, या फिर फ्लोर होगा, ग्राउंड, जो ग्राउंड पे हमारा जिस पे टाइल्स लगा रहता है या सीमेंट का होता है, जो भी है। ठीक है, इस तरह तो बोल रहा है कि अगर रूम के चारों दीवार को, क्योंकि वॉल्स बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोला? वॉल्स, वॉल्स तो 4 ही होगा ना एक रूम में। ठीक है, बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम, बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम के हिसाब से वॉल कितना होगा? 4। ठीक है, वॉल है हमारे पास 4, और चारों पे वाइट वॉशिंग करना है, मतलब कि पेंटिंग करना है, चूना लगाना है। ठीक है, तो पेंटिंग करना है और उस पेंटिंग का रेट आपको बता दिया है, रेट आपको बताया हुआ है क्वेश्चन में कि पेंटिंग करने का खर्चा, रेट मतलब क्या होता है? खर्चा है ना, खर्चा कितना है? 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे 50 पैसा का खर्चा होता है। ठीक है, तो यहां पे मीटर है ये। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अगर 50 पैसा का खर्चा होगा तो इस पूरा वॉल को, 1 मीटर स्क्वायर पे 50 पैसा का खर्चा होगा तो पूरा वॉल को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, इसको सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर है क्लास 10 में, उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना होता है, देखिए दो तरीके का सरफेस, जब भी पेंटिंग कोई भी काम अगर आपको वॉल पे करना है ना, जैसे टाइल्स चिपकाना है, पेंटिंग करना है, ये सब काम कहाँ होगा? वॉल के सरफेस पे होगा। जैसे ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है तो इसका सरफेस पे ही तो पेंट होगा। इसका मतलब तब हमको फॉर्मूला यूज करना है सरफेस एरिया का। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड। ये कौन सा शेप है? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, तो सरफेस एरिया सिर्फ एक नहीं होता है, ठीक है। सरफेस एरिया हमेशा सरफेस एरिया का दो फॉर्मूला होगा, एक टोटल सरफेस एरिया, और एक तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2BH+HL। देखो अब दोनों में फर्क क्या है, टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में टॉप एंड बॉटम होता है, ठीक है। टॉप एंड बॉटम को अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में आपको बोला है फोर वॉल्स, तो फोर वॉल्स में टॉप और बॉटम मतलब सीलिंग और फ्लोर इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो लगने वाला है वो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि या तो मेंशन ही नहीं किया हो, बिल्कुल मेंशन नहीं किया हो, तब आप टोटल का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टोटल लगाना है या लेटरल लगाना है, ये समझना है। तो टोटल और लेटरल में फ़र्क क्या होता है? अगर क्यूबॉइड का केस में देखें तो टॉप और बॉटम को अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो वो लेटरल बन जाता है, और टॉप और बॉटम को इंक्लूड करते हैं तो हमारा टोटल बन जाता है। सपोज करो सिलेंडर का केस समझ लो, सिलेंडर का केस में भी टोटल सर्फेस एरिया और लेटरल सर्फेस एरिया होता है। क्या होता है वो नहीं बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि फॉर्मूला आपको ये अलग एक केस हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ टोटल, तो सिलेंडर देख रहे हो, सिलेंडर का टॉप भी होता है बॉटम भी, अगर ढक्कन दोनों तरफ से ढक्कन सिलेंडर में दोनों तरफ से ढक्कन को इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग टोटल बोलेंगे। और ये पोर्शन, ये जो राउंड सिलेंड्रिकल पोर्शन जो होता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं लेटरल या फिर कर्व। ये कर्व है तो कर्व, और कर्व वाला नहीं है तो लेटरल बोलेंगे, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम, तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। आई थिंक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला को लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब फॉर्मूला लिखेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, और ठीक है वो क्या हो जाता है 2BH+HL, और यहाँ पे फॉर्मूला डाल देंगे, B आपको कितना दिया हुआ है 5, और H कितना दिया हुआ है 4, प्लस H कितना दिया हुआ है 4, और L कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो 4 5 20, और ये हो गया 40, और इस हिसाब से ये आ जाएगा 60, और ये हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको कॉस्ट निकालना है बेटा, कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट हमेशा याद, देखो एरिया वाला क्वेश्चन में एरिया निकालने के बाद अगर आप उसमें रेट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉस्ट निकल जाता है, सिंपल। कॉस्ट कभी भी किसी चीज का दाम निकालना हो ना तो रेट, एरिया के क्वेश्चन में ठीक है, रेट इंटू एरिया, ठीक है, रेट इंटू कितना, क्योंकि जो रेट दिया है, देखो रेट जो दिया है ना वो एरिया का हिसाब से ही दिया हुआ है ना, मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर का, देखो ये रेट क्या दिया हुआ है, एक मीटर स्क्वायर का 50 पैसा, है ना। तो रेट किस हिसाब से दिया है, एरिया का हिसाब से दिया हुआ है, तो रेट जिसका हिसाब से दिया जाता है उसी में अगर आप रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो रेट जो है एरिया का हिसाब से दिया हुआ है, तो एरिया में ही रेट को मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट निकल जाता है, ठीक है, कॉस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर एरिया कितना आया, 120 इंटू रेट क्या है 50 पैसा, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको बोला है कि रुपीज में निकालो भाई, पैसा में मत निकालो। अब ये जो मल्टीप्लाई करोगे तो पैसा में आएगा, चलो पैसा में ही निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, एरिया को निकाल लेते हैं, सॉरी रेट को, कॉस्ट को निकाल लेते हैं। तो पैसा 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 60 इतना पैसा होगा, ठीक है, कॉस्ट इतना पैसा आ जाएगा 6000 पैसा। 6000 पैसा कितना रुपया होता है, ठीक है, 6000 पैसा होता है, 6000 पैसा इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 100, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, 6000 पैसा डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो जाएगा 160 रुपीज,
60 रुपीज़ का खर्चा है बेटा, पूरा का 60 रुपीज़ का खर्चा है। अगर आप चाहते हैं तो ये काम यहाँ पे नहीं करके, यहाँ पे नहीं करके यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहीं पे चेंज कर लो ना, यहीं पे चेंज कर लो। कितना 50 पैसा मतलब कितना होता है, हाफ रुपीज़ होता है ना, हाफ रुपीज़, ठीक है। तो हाफ रुपीज़ डाल दो, है कि नहीं, हाफ रुपीज़, या 0.5 डाल दो, 0.5 डाल दो हाफ का जगह पे, ठीक है। तो हाफ रुपीज़ कर दिया और 120 कर देते, यहीं पे आंसर 60 रुपीज़ आ जाता है ना, इजी पीजी खत्म कहानी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन मतलब आज का 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आज का सेकंड, कल का 22 नंबर, सीरीज का 22 नंबर, ठीक है, सीरीज का 22। तो बोल रहा है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द सम ऑफ अ नंबर ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5, फाइंड द नंबर, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। फर्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला देखो, बोल रहा है कि कोई नंबर है, कोई नंबर, तो कोई नंबर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल के साथ उसको प्लस कर देने से आंसर कितना आता है, 26/5। तो वो नंबर क्या है, तो एलजेब्रा में, ये तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा जब कोई चीज मिसिंग होता है ना। मैंने एलजेब्रा के लेक्चर में भी ये बताया हुआ है कि आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन को एलजेब्रा से सॉल्व करते हैं, और क्योंकि ये आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है, क्यों आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे वो नंबर ही नहीं पता हमको जिसका रेसिप्रोकल प्लस करने से 26/5 आएगा, ठीक है। तो वो नंबर ही नहीं पता हमको, तो जब नहीं पता तो एलजेब्रा में पता होता है, क्या पता होता है, एक्स, ठीक है। तो क्या नहीं पता है आपको, क्या नहीं पता है, और वो जो पता है, ठीक है, वाह क्या राइमिंग बन गया। लेट द नंबर, जो नंबर आप मान रहा है उसको एक्स मान लो, ठीक है, एक्स मान लिया। वो जो नंबर नहीं पता है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स, और एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, 1/x है ना, उल्टा हो जाता है, उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर x है, तो उल्टा हो जाएगा, यही रेसिप्रोकल है, ठीक है, नीचे का 1 नहीं लिखते हम, ठीक है, रेसिप्रोकल। इन दोनों का सम, क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग, यही सब काम तो करना है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर डिस्क्रिप्टिव मिलता है तो यही सब तो काम करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 26/5, हाउ मच, कितना दिया, 5, 26/5, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे 1 है, जो दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और x का, x आ जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 26/5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इधर चला जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 5, ये x उधर चला जाएगा, 26x, बन गया, क्या बन रहा है, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, इस देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, देख लिया कितना इंपॉर्टेंट है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं, तो क्या बन रहा है हमारा, 5x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, माइनस इधर लेके 26x इज इक्वल टू 0 इधर लेके आ गए, हाँ इधर 0 कर दिया, इसको बीच में ले लो, 5x स्क्वायर प्लस माइनस 26x, ये जस्ट आगे पीछे कर देते, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में तो ला दो पहले, फिर तो सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में ला दिया, अब क्या करना है आपको, 5 × 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करना नहीं आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो मैंने लेक्चर लिया है SI में मिलेगा, SI का प्लेलिस्ट में मिलेगा, उसमें जाके देख लेना किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। 25 इसका फैक्टर हो सकता है 25 × 1,
है ना। 25 को 25 इंटू वन भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, तो 25 इंटू वन लिख सकते हैं। और ये 25 इंटू वन को अगर हम 25 और 1 को प्लस करें तो 26 मिल जाएगा, ठीक है। यही तो मिडिल टर्म स्प्लिट का रूल होता है, 5x स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 25x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। माइनस माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि आंसर का साइन क्या है, माइनस होना चाहिए। तो इन दोनों को प्लस करने का बाद आंसर यही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस 25 माइनस एक्स मिलके माइनस 20x, तो यही चीज को ऐसे लिख दिया बस, ठीक है। और ऐसे लिखने का कारण इसी तरीके से क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ इस फैक्टर का हिसाब से हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता है प्लेलिस्ट में जाके देखो एसआई का, आपको सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, x कॉमन है दोनों में, इसमें भी 5 है, 5 और इसमें भी है, तो 5 ले लिया, x ले, यहाँ x बच गया, ठीक है, x स्क्वायर का x बच गया, यहाँ क्या बचा है, सिर्फ 5 बचा है और माइनस 5 बचा है, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ 5 है, कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो भी निकालना होता है हमको, 1 कॉमन होता है सब में, ठीक है। तो 1 निकालेंगे, 1 के साथ माइनस भी निकाल लेंगे, माइनस वन निकालने से जो x है उसका साइन पॉजिटिव और जो 5 है उसका साइन हो गया, बढ़िया। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या हो रहा है हमारे पास, आगे क्या हो रहा है हमारे पास बस ये दोनों कॉमन है ना, इसको एक बार लिख दिया, ठीक है, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 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 ठीक है। अब तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक x का इधर से वैल्यू मिलेगा, एक और एंड एक वैल्यू मिलेगा यहाँ से, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया, 5 इधर चला गया तो 5, ठीक है। एंड यहाँ से जो x का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये माइनस 1 उधर गया तो x का वैल्यू क्या होगा, माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, और ये 5 यहाँ से निकल के इधर गया तो 1/5, ये हो गया। तो वो जो नंबर है, क्योंकि नंबर हमने होल नंबर माना था ना, ठीक है, वो नंबर 5 है, ठीक है। और देखो दोनों ही एक दूसरा का रेसिप्रोकल भी निकला है, तो ये जो नंबर है वो तो 5 आ गया, ठीक है, एंड उसका रेसिप्रोकल 1/5 आ जाएगा, ठीक है। हेंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हेंस द नंबर इज 5, 5 है उसका नंबर, ठीक है, 5 है, hence the number is 5। चलो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 और सीरीज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 23 आज का क्वेश्चन नंबर 3, सीरीज का क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 23 देखते हैं, सॉरी 23 देखते हैं, ठीक है, 23 देखते हैं। ए मैन बाइज ए टीवी सेट कॉस्टिंग ₹13,560 एट द रेट ऑफ 7% सेल टैक्स, ठीक है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ही हैज टू पे। 7% सेल टैक्स लगा है, अच्छा आप थोड़ा सा आप समझो क्वेश्चन, ठीक है, तो जो उसका MRP है, ठीक है, सेल प्राइस जो है, ठीक है, क्वेश्चन का सेल प्राइस है, देख लेते हैं कॉस्टिंग, जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्टिंग ऑफ टीवी इज इक्वल टू 13,560 रुपीस, ठीक है, ये है इतना है, हाँ 560 रुपीस, ठीक है, ये है इसका कॉस्टिंग। अब बोल रहा है कि इस पे टैक्स लगेगा, तो एक बात बताओ, टैक्स लगने पे अमाउंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज हो जाएगा, अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो जब टैक्स लगता है तो अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, तो परसेंटेज में जब इंक्रीज होता है ना, तो आपको याद रखो वो वैल्यू जिस पे अमाउंट इंक्रीज होना है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, तो फाइनल अमाउंट जो होगा, फाइनल अमाउंट कैसे निकलेगा, तो फाइनल अमाउंट दो तरीके से निकल सकता है, मैं यहाँ पे एक तरीका डिस्कस करूँगा। फाइनल अमाउंट ऐसे निकलता है,
तो जिस प्राइस पे टैक्स लगना है उस प्राइस को आप लिखेंगे, ठीक है, इनटू करेंगे कितना परसेंट बढ़ रहा है अमाउंट पे टैक्स लगेगा, तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा अमाउंट, तो इंक्रीज वाला अमाउंट का केस में आपको क्या करना पड़ता है, 100+% जो रेट है ना, रेट, ठीक है, उसको आपको यहाँ डाल देना है बाय 100, यही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्चुअली ये इंक्रीज्ड अमाउंट का फॉर्मूला है, इंक्रीज्ड अमाउंट इज इक्वल टू होता है अमाउंट, मतलब जो अमाउंट इंक्रीज्ड अमाउंट, मतलब इस अमाउंट को इंक्रीज करके बताना है ना आपको, तो इंक्रीज अमाउंट कैसे निकलेगा, तो अमाउंट इनटू 100+R% डिवाइडेड बाय 100, ये होता है, ठीक है, इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। और क्योंकि वो जो इंक्रीज अमाउंट है वो क्या, फाइनल अमाउंट है टीवी का, ठीक है, तो फाइनल अमाउंट ऑफ टीवी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक, आफ्टर टैक्स, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आफ्टर टैक्स, टैक्स कितना परसेंट का है देख लो थोड़ा सा, टैक्स कितना परसेंट का है, टैक्स है 7% का, तो 100+7 मिलके क्या हो जाएगा, 107 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, खत्म, क्वेश्चन बन गया, इसको मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। तो देखते हैं, 00 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1356 into 107 करते हैं, ठीक है, 39, 3, 21, 21 or 3, 24, 2, 7, 9 हो गया, ठीक है, 0000, फिर आ गया 6531, मिला के कितना हो गया 9, 0, 1, 15, 1, 4, 1, 4, कितना हो रहा है 1, 4, 5, 0, 9, 2 डिवाइडेड बाय 10 तो है ही, है ना, डिवाइडेड बाय 10 का मतलब क्या है, डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 का मतलब क्या है, डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, तो 1, 4, 5 डिवाइड, जब जीरो से डिवाइड होता है ना तो डेसिमल यहाँ का डेसिमल यहाँ पहुँच जाता है, जहाँ भी डेसिमल होगा एक प्लेस इधर लेफ्ट को लेके चला जाओ, ठीक है, तो 509.2 ये आपका 14,509 रुपीज़ लगेगा, जबकि दाम उसका 13,560 रुपया था। आप इसको और एक तरीका से कर सकते हैं, ठीक है, देख लो क्वेश्चन देख लो, बोर्ड पे साइन था ना, अभी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अभी साइन हट गया है, एक बार देख लेना ध्यान से, ठीक है, साइन हट गया है, हाँ, तो हाँ अब देख दिख रहा होगा, ठीक है, 1,450,92 डिवाइडेड बाय ये आ गया, ठीक है, ये अमाउंट आ गया आपका कितना 14,509, ये आपका अमाउंट। इसको आप दूसरा तरीके से भी कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, 7% ऑफ इसका निकाल लो, ठीक है, 7% ऑफ इसको ऐसे निकाल दें, 7% ऑफ 13,560, और जो भी वैल्यू आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको ना इसमें प्लस कर देंगे, तो आपको तभी भी यही वैल्यू मिलेगा, ठीक है, तभी भी यही वैल्यू, और डायरेक्ट आप इसको इस फॉर्मूला में लगा देंगे, तो आपको पहले निकाल के फिर बाद में प्लस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ही हमने परसेंटेज को प्लस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या, तब तक मैं मार्कर में इंक भर लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड, वन साइड इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, चलो एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड 4 सेंटीमीटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, तो बोल रहा है इसका एल्टीट्यूड बताओ कि एल्टीट्यूड इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन सबसे पहले एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल,
ठीक है। तो याद रखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ना, इक्विलेटरल के लिए एक अलग सा फॉर्मूला आता है, हाफ बेस इंटू हाइट नहीं होता, ना हाफ बेस इंटू हाइट नहीं है, वो फॉर्मूला है √3/4a². तो अब एरिया क्यों निकाल रहे हैं बताता हूँ, अभी एरिया क्यों निकाल रहे हैं, हाइट पूछा था एरिया क्यों निकाल रहे हैं, तो पहले तो डाल लो ठीक है। यहाँ क्या है √3/4 ए स्क्वायर मतलब 4, ए मतलब साइड होता है, तो साइड 4 इंटू 4 ये कितना हो गया 4√3, ये इसका एरिया है ठीक है, ये इसका क्या है एरिया है। तो एरिया तो ऐसे भी निकलता है ना, एरिया ऐसे भी निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट से भी तो निकलता है, एरिया हाफ इंटू बेस हाइट से, तो एरिया आपका निकल चुका है, कितना है एरिया, कितना है 4√3, इसीलिए एरिया निकाला था हमने, क्योंकि इसमें अब हम हाइट निकालेंगे ठीक है। तो हाफ बेस आपका कितना है 4 और हाइट मालूम नहीं है, अब देखो इस फॉर्मूला के लिए ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये नहीं मालूम, अब बाकी घुमा दो क्वेश्चन, घुमा दो h 4√3 ठीक है, ये 1/2 है दूसरे साइड जाएगा तो 2 बनेगा, और ये 4 मल्टीप्लाई है दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड बनेगा, तो टक टक डिवाइड हो गया, h इज इक्वल टू 2√3, खत्म कहानी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये एरिया है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, कहानी खत्म, बहुत ही खुश ठीक है। तो ये आप बेसिक जानते हैं तो कहानी खत्म, यहाँ ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे आगे बढ़ते हुए ठीक है, और 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है हमको, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर डिफरेंस इज 6, फाइंड द नंबर ठीक है, सम ऑफ टू नंबर, तो आपको वो दोनों नंबर मालूम है क्या, नहीं मालूम है ठीक है, तो लेट, जब नहीं मालूम होता है तो क्या करते हैं, तो लेट द वन नंबर नंबर, और वन नंबर में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा ठीक है, याद रखो क्योंकि डिफरेंस आ रहा है ना, तो सेम नंबर तो हो नहीं सकता है, तो वन नंबर एक, लेट द वन नंबर या लेट द ग्रेटर नंबर, लेट द ग्रेटर नंबर नंबर बी एक्स, एक्स मान लिया ठीक है, और उसमें एक दो नंबर था, दो नंबर का सम करने से कितना मिलता है 18 मिलता है, और डिफरेंस करने से 6 मिलता है ठीक है, ठीक है, तो लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, हाँ, और स्मॉलर नंबर बी वाई, वाई ले लेते हैं ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा चिंता ना करो ठीक है। तो दोनों नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि दोनों नंबर को अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या मिलेगा 18, और बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस कर दो क्योंकि डिफरेंस बोला है, डिफरेंस कब मिलेगा, पॉजिटिव डिफरेंस मिलने के लिए ये नंबर बड़ा होना चाहिए ठीक है, इसीलिए हमने इसको बड़ा माना था, हाँ बड़ा माना था ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 बन गया ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये 2 वेरिएबल में आया है, 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे ठीक है, ऐसे दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे प्लस कर देते हैं ठीक है, प्लस कर देते हैं तो x प्लस एक्स 2x, y माइनस वाई, देखो यहाँ पे प्लस करने से भी ये तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और y माइनस वाई क्या हो जाएगा 0, खत्म कहानी ठीक है। 18 प्लस 6 24, x क्या हो गया 24 डिवाइडेड बाय 2 12, जो बड़ा वाला नंबर था ठीक है, लास्ट में लिख देना बड़ा वाला नंबर क्या है 12 है ठीक है, छोटा नंबर कैसे मिलेगा, तो इस 12 को इन दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी डाल दो ठीक है, तो डाल देते हैं चलो, पुटिंग x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1 में डाल दिया, तो x प्लस y इज इक्वल टू 18 था, इक्वेशन में डाल दिया 12 y 18 y इज इक्वल टू 12 उधर गया, 18 माइनस 12 कितना आ गया 6,
तो जो छोटा नंबर है वो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, इजी पीजी, ये भी इजी पीजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिक मालूम है ना, वन वेरिएबल टू वेरिएबल का आराम आराम से सारा क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहानी खत्म हो जाता है। ठीक है, कहानी खत्म हो जाता है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अदर इज ट्वाइस टाइम द स्मॉलेस्ट। ठीक है, फाइंड द एंगल्स। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपको कह रहा है, वन थ्री एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, मान लो ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, और इसमें सबसे छोटा वाला जो एंगल है, मान लो कि ये एंगल सबसे छोटा है। ठीक है, तो एक एक जो एक एंगल है छोटा वाला से डबल है। ठीक है, और दूसरा जो एंगल है वो छोटा वाला से ट्रिपल है। तो सबसे छोटा वाला को देखो, कभी भी ना किसको एक्स लेना होता है, याद रखो, याद किसको एक्स लेना होता है, जिससे आपको कंपेयर किया जा रहा है वैल्यू। जैसे इस क्वेश्चन में बोला सबसे स्मॉलेस्ट वाला से डबल, तो स्मॉलेस्ट वाला से कंपेयर हो रहा है ना, इसीलिए एक्स स्मॉलेस्ट को लेंगे। ठीक है, मान लो कि ये डबल है तो 2x हो जाएगा, ये ट्रिपल है स्मॉलेस्ट वाला तो 3x हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। तो लेट, यहाँ पे आप कंसीडर क्या करें, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्री। ठीक है, दूसरा या x डिग्री ले लो या फिर x ले लो, हो जाएगा, x डिग्री नहीं लेंगे, डिग्री में तो आएगा वैल्यू। ठीक है, तो अदर एंगल, वन ऑफ द अदर एंगल, ठीक है, वन ऑफ द अदर एंगल इज 2x, 2x होगा, है ना। ठीक है, एंड अनदर एंगल जो बचा हुआ है, एंड द लास्ट एंगल, मान लो लास्ट एंगल, ठीक है, लास्ट एंगल क्या ले लेंगे, 3x। ठीक है, 3x हो गया। अब आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, ये तो बहुत सबको पता है, तुमको नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो याद रखो, तीनों को मिलाने के बाद 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो x प्लस एक्स ये कितना हो गया, x 2x प्लस 3x 6x, तो 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6, कितना आ गया बेटा, 30। तो ये था 30, ये था 60, ये था 90, क्लियर, समझ में आ गया होगा। लास्ट में लिख देना है x इज इक्वल टू 30, तो 2x इज इक्वल टू 60 एंड 3x इज इक्वल टू 30, और एक सेंटेंस भी साथ में लिख देंगे कि द एंगल्स आर, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 30 एंड सेकेंड लार्जेस्ट एंगल इज 60 एंड थर्ड लार्जेस्ट एंगल इज 90। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 27 देखते हैं, 27 क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, A and B can do a piece of work in 8 days. A alone can do in 12 days. In how many days B alone can do the same work? ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखो ऐसे बनता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ऐसे बनता है, A और B मिलके कितना दिन में काम खत्म करते हैं, तो A एंड B टुगेदर फिनिश द वर्क इन कितना दे, 8 दिन, 8 days। ठीक है, तो वन डे वर्क हमेशा है ना, ये जो टाइम एंड वर्क का जो है वो वन डे वर्क पे ही बनता है, तो वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एक 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 दिन का काम साथ में, एक दिन का काम साथ में। ठीक है, ये तो 8 दिन में वो खत्म कर रहा है ना काम,
8 दिन में वो काम खत्म कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? ठीक है, तो याद रखो हमेशा ऐसा होता है, अगर कोई आदमी एक्स डेज लेता है ठीक है किसी काम को खत्म करने में, तो एक दिन में वो 1/x काम करता है। ठीक है, ये आपका टाइम एंड वर्क का नियम है। नियम तो एक, अगर दोनों मिल के 8 दिन लगाते तो दोनों मिल के एक दिन का काम कितना करेंगे? 1/8 है ना। ठीक है, ए अलोन कैन फिनिश, अब देखो ए अलोन कैन फिनिश द वर्क, द वर्क कितना दिन में? 12 दिन में। ठीक है, तो ए का ए इज वन डे वर्क क्या हो जाएगा? वन डे वर्क क्या हो जाएगा? 1/12 होगा। जैसे दोनों का 8 दिन था तो दोनों का एक दिन का काम 1/8, तो ए का 12 दिन है तो ए का अकेला का काम कितना हो जाएगा? 1, एक दिन का काम। ठीक है, बी का मालूम है क्या? बी का तो निकालने बोला है ना, बी अलोन कैन फिनिश द वर्क, फिनिश कितना दिन में करता है? नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है तो भी मालूम है एक्स डेज। ठीक है, ठीक है, तो बी इज वन डे वर्क, बी का एक दिन का वर्क कितना होगा? अभी बताया, बताओ जल्दी, 1/x। बी अकेला 1/x टाइम लगाता है, 1/x वर्क कर लेता है। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर लेता है? इतना काम कर लेता है। ए एक दिन में कितना काम कर लेता है? इतना काम कर लेता है। दोनों मिलके कितना काम कर लेता है? इतना काम कर लेता है। तो हम लोग ये कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए एक दिन में इतना काम कर लेता है, बी एक दिन में इतना काम कर लेता है, दोनों मिलके कितना काम कर लेता है? दोनों मिलके मतलब प्लस, ठीक है, कितना काम कर लेता है? 8 हो गया। 1/x इज इक्वल टू 1/8, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब क्या करें, कैसे जिए? ठीक है, 1/x उधर 8 और 12 का एलसीएम लो, 24। ठीक है, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा माइनस है, सॉरी माइनस है। ठीक है, 1/24, 1/x। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 24, 1/x का वैल्यू 1/2, उल्टा कर दें, x का वैल्यू 24। तो x कितना दिन लगाएगा? 24 डेज लगा देगा। ठीक है, x कितना दिन लगाएगा? 24 डेज लगा देगा। चलिए, बहुत स्लो काम करता है b, ठीक है, a फास्ट काम करता है। चलिए आगे, लास्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, 27 देख लिया, 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देख लीजिए क्या कहता है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल आयरन बॉल। ठीक है, एक स्फेरिकल आयरन बॉल, स्फेरिकल मतलब फुटबॉल जैसा। ठीक है, फुटबॉल मान लो आयरन का, आयरन का फुटबॉल को हम लोग स्फेरिकल आयरन बॉल बोलेंगे। ठीक है, इसका रेडियस 9 सेंटीमीटर, रेडियस यहाँ सेंटर से होगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इन टू ए वायर ऑफ डायमीटर 2 mm। ठीक है, इसको पिघला के वायर बना देना है और 2 mm का डायमीटर होना चाहिए। डायमीटर, वायर का डायमीटर मतलब ये वायर है मान लो, ठीक है, तो ये होता है डायमीटर ना, तो डायमीटर कितना mm होना चाहिए? 2 mm। तो इसका रेडियस कितना होगा? 1 mm है ना, हाफ होगा। ठीक है, हाफ होगा, ये होता है कॉन्सेप्ट, डायमीटर और सर्कल का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलो, तो ऐसा वायर बनाना है जिसका रेडियस 1 mm का हो, डायमीटर 2 mm लिखा हुआ है लेकिन रेडियस कितना होगा? 1 mm, तो 1 mm का
डायमीटर होना सॉरी रेडियस होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जब भी पिघला कर कुछ बनाते हैं, ठीक है, पिघला कर बनाते हैं तो सरफेस पे काम होता नहीं है, ठीक है। सरफेस का काम क्या था, इससे पहले क्वेश्चन जो था पेंट करने वाला, तो पिघला दिया पूरा का पूरा, पहला पिघला दिया मतलब पूरा का पूरा जो बॉल है उसको ही पूरा, उस पर पूरा अंदर बाहर सब जगह पिघल गया, तो इसमें वॉल्यूम का रोल प्ले हो जाता है। तब क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर थोड़ा सा देखो, ऑफ स्पेयर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 πr³, 4/3 πr³, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको पिघला कर आप वायर बनाएंगे, तो आप वायर में कुछ अलग से बाहर से कोई मटेरियल तो ऐड कर नहीं रहा है, ठीक है, जो भी इसमें मटेरियल था वही यूज होगा। इसका मतलब कि वायर जो बन रहा है ना उसका वॉल्यूम और ये स्पेयर का वॉल्यूम आपस में सेम होगा। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ वायर कैसा शेप होता है, सिलेंडर का शेप होता है, ठीक है, पतला सिलेंडर होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr² h, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि पिघलाने वाला केस में जिसको पिघला कर दूसरा आप ऑब्जेक्ट बना रहा है उन दोनों का वॉल्यूम आपस में सेम होगा, क्योंकि उतना ही मटेरियल पिघल के वो बन रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम सेम होगा मतलब कि 4/3 πr³ = πr²h, ठीक है, πr²h हो गया। चलो तो अब क्या क्या करना है, देखो पाई 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 का वैल्यू तो सब जगह सेम होता है, पाई पाई कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि पाई को इधर लेके जाओ पाई बाय पाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4/3 रेडियस कितना है इसका, 9 सेंटीमीटर। अब देखो थोड़ा सा याद रखना, एक का रेडियस ना 9 सेंटीमीटर है और वायर जो रेडियस जो वायर बना रहा है उसका डायमीटर दिया था 2 mm, तो उसका रेडियस हो जाएगा 1 mm, ठीक है। तो ये हमेशा सेम होना चाहिए, कभी भी फॉर्मूला में डालेंगे ना तो सेम होना चाहिए, सेम मतलब यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम कर लो, इसको mm बना लो, 9 सेंटीमीटर में कितना mm होगा, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 9 सेंटीमीटर में कितना होगा, 90 mm, ठीक है, यहाँ डाल देंगे 90। आर स्क्वायर, अब इसमें कितना, इसका आर क्या है, 1 का स्क्वायर, एच कितना है इसका, एच ही तो निकालना है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन मैंने रीड भी नहीं किया था, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ये जो वायर का हाइट होगा ना यही तो लेंथ है ना, लेंथ वायर का लेंथ वही तो है, ठीक है, तो एच निकल जाएगा तो लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। चलिए 4/3 90, ये 1 तो 1² 1 h, इधर का ही जो वैल्यू बच रहा है वही, तो ये तो 1² 1 × h, h ही रह गया, ठीक है, तो यही मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। 30 30 120 कितना होगा, 120 mm, एक सेंटीमीटर में 10 mm होता है तो 9 सेंटीमीटर 90 mm होगा, ठीक है। mm में डाला था तो इसीलिए mm में ही लेंथ भी मिलेगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज द लेंथ ऑफ ऑल्सो लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, वायर का लेंथ ही तो है, तो 120 mm इसका आंसर हो गया, ठीक है। 28 क्वेश्चन नंबर 28 हो गया खत्म। फिर क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ बोल रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 8 का एवरेज निकालना है, ठीक है।
तो फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 8 पहले क्या आ गया देख लो, सॉल्यूशन इसका क्या होगा। फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा, 8 होगा, पहला मल्टीपल 8, दूसरा मल्टीपल 16, ठीक है, तीसरा मल्टीपल 24 एंड सो ऑन, ठीक है, 8 20s आर 160, ठीक है 160, मतलब 8 प्लस 16 प्लस 24 एवरेज कैसे निकलता है, जितना भी नंबर आपको दिया हो उन सबको प्लस करिए एंड डिवाइडेड बाय जितना नंबर आपके पास है, ठीक है, एवरेज यही तो होता है। तो लेकिन इसका अब 8, 16, 20, 160 तक प्लस करेंगे क्या, नहीं, इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा, ठीक है। सबसे पहला ऐसा करो, एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज निकलेगा 8 प्लस 16, ठीक है, प्लस 24 प्लस सो ऑन प्लस लास्ट वाला 160 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 20 होगा ना, क्योंकि 20 मल्टीपल है, ठीक है, ऐसे एवरेज निकलेगा। तो देखो ये एवरेज ऐसे निकल, इसमें से 8 कॉमन निकाल दो, 8 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन एंड कितना बचेगा 160 से भी निकल गया 20, है ना, 8 निकाल लिया, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, कहाँ तक बचेगा 20 तक, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 कर लो, ठीक है, हो गया। अब नेचुरल नंबर का, ये नेचुरल नंबर है ना 1, 2, 3, 4, 5 20 तक, तो नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है सम निकालने का, ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, एन मतलब जहां तक भी नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मान लो 20 यहाँ कहाँ तक है 20, तो n का जगह क्या होगा 20, अगर ये 30 तक होता तो n का जगह क्या होगा 30, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, 8 n n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना 2 n डिवाइडेड बाय 20, तो इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, आई थिंक, ठीक है, 8, तो n n कितना है आपका 20 है, ठीक है, इन टू एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20, यहाँ देख लो 2 और 20 काट के कितना हो जाएगा 10, चलो वही करते हैं, 8 इंटू 10 इंटू 21 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है 20 है, ठीक है, ये ब्रैकेट हटा दो, अभी कोई काम नहीं है, सब इंटू में ही तो है, 10 से ये भी कटेगा, कितना टाइम में कटेगा, 10 से 2 बार में और 2 से ये 4 बार में, तो 21 इंटू 84 इसका आंसर है, एवरेज कितना आएगा इसका 84, ईजी, पर ये मालूम होना चाहिए ना, ईजी तभी होगा ना मालूम होना, अगर आपको स्टेप में ऐसा नहीं लिखना पड़े तो फिर आपका ये बहुत लंबा सा लिखोगे और उसमें नंबर कटेगा, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं करता है आपसे एग्जामिनेशन, ठीक है, प्लस करके। चलिए ये हो गया आपका एवरेज से एक क्वेश्चन, 29, 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है बेटा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ठीक है, सिलिंड्रिकल टैंक है, टैंक ऑफ रेडियस 2 meter एंड हाइट 6 meter इन लीटर्स, ठीक है, लीटर में निकालना है, लीटर में कैपेसिटी बताओ कितना पानी वो टैंक रखेगा, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 2 meter एंड हाइट 6 meter इन लीटर्स, कैपेसिटी लीटर्स में बताना है, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम बेटा, क्या होता है वॉल्यूम, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक, आप इसको वॉल्यूम ऑफ टैंक भी लिख सकते हैं, तो टैंक का शेप क्या है सिलेंड्रिकल, रेडियस कितना है 2, हाइट कितना है 6, ठीक है,
तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, अभी अभी वॉल्यूम बताया था ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो डाल दो, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू होगा 2 और एच का वैल्यू है 6, ठीक है 6, तो 22 × 4 × 6/7, कटेगा क्या 7 से, नहीं कटेगा ठीक है, तो 88 × 6, देखो 88 × 6 528 by 7, ठीक है 528 by 7, 528 को 7 से डिवाइड करो, 7 × 7 = 49 आ रहा था 38, ठीक है 7 × 7 = 49 38, 7 × 5 = 35, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे ठीक है, 7 × 4 = 28, चलो इतना ही मान लो ठीक है, और 2 आएगा फिर और आएगा ठीक है, तो मान लिया हमने 7 × 5 = 4, 2 लगा लेते हैं ठीक है, 2 लगा और एक बार और एक पॉइंट लगा दो 0, 7 × 2 = 14, फिर 6 आ जाएगा, फिर रिपीट होगा वो ठीक है, चलो कितना आ गया 7 × 2 मीटर स्क्वायर, एरिया है ना एरिया, सॉरी वॉल्यूम है ना मीटर क्यूब, अब इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये तो मीटर क्यूब में आया, आपको पूछा क्वेश्चन में लीटर्स में, तो आपको क्या करना है, एक लीटर इज सॉरी 1000, एक मीटर क्यूब में एक मीटर का क्यूब अगर है तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है ठीक है, एक मीटर क्यूब का टैंक होता है तो उसमें 1000 लीटर आता है, तो ये कितना है 75/420 m³ है ठीक है, तो इस हिसाब से 75.42 × 1000 हो जाएगा ना, होगा एक मीटर में इतना, तो 75 में इतना इतना इंटू ठीक है, ये कितना हो गया 75420 liters, कितना 75,240 liters पानी आ सकता है ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है वीडियो समाप्त और मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे समाप्त हो जाता है ठीक है, तो देखिए मॉडल पेपर तो समाप्त हो गया और इसमें हमने 30 क्वेश्चन भी देख लिए, तो इसमें 30 का 30 आपको आना नहीं चाहिए ठीक है, आप 20 क्वेश्चन कर देंगे तो आपका काम हो गया, क्योंकि ओनली 20 का क्वेश्चन होता है APCS का मॉडल के हिसाब से ठीक है, लेकिन क्योंकि बहुत लोग ये बोल रहे थे कि सर आपको कैसे मालूम कि यही आएगा, देखो मेरे को ऐसे मालूम है बेटा, मेरे को ऐसे मालूम है क्योंकि APCS का पैटर्न ही ये है ठीक है, अब पहली बार कर रहा है तो आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या होगा नहीं होगा ठीक है, तो हो सकता है कंसेप्ट आपको मल्टी चॉइस भी दे दे ठीक है, APCS पहली बार ये काम भी कर दे, ये काम पहली बार वो कर भी सकता है ना, नहीं भी कर सकता है ठीक है, वो चाहे तो जिस तरीके से वो कर रहा है वैसे ही करेगा, तो जिस तरीके से कर रहा है तो उसके हिसाब से तो यही होगा, और अगर वो नया पैटर्न बना देता है कि MCQ लेगा तो MCQ, तो MCQ में भी तो आपको ये जानना चाहिए, बिना इसके कैसे करोगे MCQ, गेस करना है क्या आपको, गेस करना है कॉज MCQ सब लोग क्यों ढूंढ रहे हैं, उनको गेस करना है कि आंसर गेस कर लेंगे हम लोग ठीक है, ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होता है, बेसिक तो आपको जानना ही होगा ठीक है, और उससे पहले आपको बता दूं मैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर्स डाल रहा हूँ, AP आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि AP से क्वेश्चन आता है, क्लास 10 का सिलेबस में है, तो AP का सीरीज मैंने क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया है, तो आप उसको पक्का देखिए ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।